हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट। टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, अर्थात सॉलिड का वर्गीकरण। तो आज हम ठोसों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स के आधार पर। सॉलिड के दो प्रकार बताए गए हैं, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो जैसा कि यहां देख रहे हो कि ठोसों के प्रकार, तो संरचनात्मकता के आधार पर या अणुओं की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के दो प्रकार बताए गए हैं, एक है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम अमॉर्फस के नाम से भी जानते हैं। सो फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अब हम आपको बता रहे हैं कि ये ठोस किस प्रकार के होते हैं। सो दोज टाइप ऑफ सॉलिड देयर कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर ऑर्डर, इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल डायमंड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयोडीन एक्सेट्रा। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, अर्थात जिनकी संरचनात्मकता या फिर कहा जाए जिनके अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे कि डायमंड, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अर्थात क्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण या गुण। तो इनके क्या क्या लक्षण होते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं। सो फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलरली, सेकंड दे पजेस शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड इज देयर आउटर सरफेस आर रेगुलर, फोर्थ इज दीज आर एन आइसोट्रॉपिक। अर्थात यहां क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ प्रमुख लक्षण बता रहे हैं, जिसका पहला पॉइंट है कि इनके अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, दूसरा पॉइंट है ये डेफिनेट अर्थात निश्चित गलनांक बिंदु रखते हैं, तीसरा बिंदु है इनके निर्माण में अणुओं का एक निश्चित क्रम पाया जाता है, और चौथा पॉइंट है दीज आर एन आइसोट्रॉपिक, अर्थात ये असममित प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ एक एन आइसोट्रॉपिक वर्ड जो आया है इसको हम आगे डिफाइन करेंगे कि एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ चार पॉइंट आपने देखे, ये चार पॉइंट ऐसे हैं जो क्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनको आप आसानी से नोट डाउन भी कर सकते हो, आप फेयर कॉपी में भी अपने नोट कर सकते हो, और चाहो तो आप अपने तरीके से यहाँ लर्न भी कर सकते हो। तो क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार बताए गए जिसके चार प्रकार हैं, और ये कौन कौन से प्रकारों से बने हैं अर्थात इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो मेरा यहाँ कहना का मतलब है कि यदि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम में,
तो वे हिंदी में सुन सकते हैं आसानी से, उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम यहां बता रहे हैं सेकंड हेडिंग या सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड। इसे हम अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। सो दोज टाइप ऑफ सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलरली आर कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। अर्थात यहाँ ये डेफिनेशन देख रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोस, या फिर अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वे ठोस जिनके अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस ठोस कहलाते हैं। जैसे कि कांच, प्लास्टिक, रबर इत्यादि। अब यहाँ एक क्वेश्चन बताना चाहेंगे कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो आप इनकी डेफिनेशन को लेकर के और इनके जो कैरेक्टर लिखाए हुए हैं, जो चार चार पॉइंट हैं, उनको आप आसानी से नोट कर सकते हो। और तो यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण। सो अक्रिस्टलीय ठोसों के जो लक्षण हैं उन्हें हम बता रहे हैं। फर्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड रेगुलरली। सेकेंड इज दे डू नॉट हैव शार्प एंड डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड इज आउटर सरफेस डज नॉट शोइंग रेगुलर अरेंजमेंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। फोर्थ इज दिस इज आइसोट्रॉपिक। मीन्स ये चार पॉइंट आपके सामने सीन हो रहे हैं, तो आप यहां से इनको लिख भी सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट अक्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण कि इनकी जो संरचनात्मक अणु है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। दूसरा इनका निश्चित गलनांक बिंदु नहीं होता है। तीसरा है कि ये जब क्रिस्टल बनाते हैं तो एक निश्चित क्रम में नहीं बनते हैं। और चौथा है ये सममित प्रकार के होते हैं। अर्थात यहाँ चार जो लक्षण हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के या अक्रिस्टलीय ठोस के बताए गए हैं। तो हमने जैसा कि पहले भी कहा कि ये चार पॉइंट नॉन क्रिस्टलाइन के और चार पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के आप डिफरेंस के रूप में भी लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ हमने एक पॉइंट और नोट डाउन किया, फोर्थ पॉइंट दिस इज आइसोट्रॉपिक। यानी कि आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं? तो ये दोनों वर्ड, एक एनआइसोट्रॉपिक और एक है आइसोट्रॉपिक, ये दोनों को डिफाइन करेंगे कि दोनों की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। एनआइसोट्रॉपिक का अर्थ होता है असममित प्रकार के, और आइसोट्रॉपिक सममित प्रकार या फिर सममित। सो आइसोट्रॉपिक इज नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड शोइंग थर्मल कंडक्टिविटी कॉमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटीसी प्रॉपर्टीज आर द सेम इन
all direction such matter are called isotropic and this properties of matter is called isotropy. अर्थात नॉन क्रिस्टलाइन या अमोर्फस ठोस ठोसों में थर्मल कंडक्टिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इत्यादि जो गुण हैं वो सभी दिशाओं में समान तरीके से पाए जाते हैं, समान रूप में एक ही जैसे पाए जाते हैं, आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं. सेकंड है एन आइसोट्रॉपिक अर्थात असममित, अमाने असमान, यानी कि ऑल डायरेक्शन में चेंज हो. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड दीज प्रॉपर्टीज सच एज थर्मल कंडक्टिविटी कॉमा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आर चेंज्ड व्हेन डायरेक्शन चेंज्ड. दिस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी एंड सच मैटर आर कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक. अर्थात वह गुण जो क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है, अर्थात क्रिस्टलीय ठोसों का वह गुण जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी तथा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी परिवर्तित हो जाती है, जैसे उसकी दिशा परिवर्तित होती है वैसे उसके गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, यह गुण आइसोट्रॉपी कहलाता है तथा ऐसे पदार्थ आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं. तो बेटा उम्मीद करते हैं कि टॉपिक को आप समझ पा रहे होंगे और जो नए वीडियोज आपके सामने आते जा रहे हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे होंगे. तो बेटा आपके लिए कुछ दो लाइन है, मोटिवेशनल शब्द हैं कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते. तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा और कुछ एक अच्छी सी सीख भी मिलेगी. सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट.